अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु जी। आप ये लेक्चर कुरानी कोर्स और मुस्लिम मीमों पे सुन रहे हैं। मैं नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊतु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सूरतुल अलबकरा जी। इससे पहले हम इसकी चंद आयात कर चुके हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जो पिछली आयात थी इसका एक रिव्यू कर लेते हैं, छोटा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बकरा क्या स्टार्ट क्या हुआ था, हरूफ मुक़त्तआत से हुआ था, अलिफ लाम मीम से। अलिफ लाम मीम से इसका आगाज़ हुआ था और फिर इसके बाद क्या है, इसमें तीन ग्रोहों की बात हुई थी कि ईमान लाने वालों के आमाल कैसे होते हैं, उनकी खसूसियात क्या होती हैं, दूसरा इनकार करने वाले ग्रोह कैसा होता है, और तीसरा होता है कि क्या जो इन दोनों के दरमियान का ग्रोह है, मुनाफिकीन का ग्रोह। उन मुनाफिकीन के ग्रोह की मज़ीद खसूसियात बयान की गई थी, जो उनके अंदर खामियाँ पाई जाती हैं वो बयान की गई थी, कि उनके अंदर ऐसे मामलात पाए जाते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ी निशानी क्या है कि वो झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं। और ये उस दौर में भी मौजूद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए भी, जब वही उतर रही थी तब भी, और आज के दौर में भी। मुनाफ़िकत के फिके मुख्तलिफ एग्जांपल से अल्लाह ताला ने मज़ीद समझाना चाहा था कि वो क्या है, आसमान से कड़क हो और क्या है अंधेरा हो जाए तो ये रुक जाएंगे, और अगर खैर नाजिल होती रहे तो ये चलते रहेंगे। यानी कि मुनाफ़िकीन की आज के दौर में क्या खसूसियात हो सकती है, उसका भी तस्करा था कि क्या है, जब इस्लाम उनको फ़ायदा दे तो इस्लाम पर अमल करते हैं, और जहाँ उन्हें इस्लाम में ज़्यादा नुकसान नज़र आए तो वो क्या इस्लाम को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद बनी आदम की तख्लीक, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र था कि वो उनको कैसे तख्लीक किया गया, फरिश्तों के साथ क्या कन्वर्सेशन हुई, और उसके बाद क्या है उन्हें जन्नत से क्यों निकाल दिया गया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज नंबर 40 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी बनी इसराइल के हवाले से, कि बनी इसराइल कैसी कौम थी। ये वो कौम थी जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबर भेजे, और किस लिए पैगंबर भेजे जाते हैं, हिदायत के लिए भेजे जाते हैं, मगर इनका रद्द अमल क्या था, उन पैगंबरों के आने पे इस कौम ने क्या मामला किया, इस आईने में हमने अपने को देखना है कि हमारे पास जो नबी आए हमने उनके साथ क्या मामला किया, उनकी दी गई तालीमात के साथ क्या मामला किया। चुनी हुई कौम थी, वो हदायत दी गई उन्हें, हदायत नेमत से नवाजा किया, दुनियावी नेमतों की फरावानी थी उनके लिए, मनोसलवा का इंतज़ाम था उनके लिए, और तरह तरह की नेमतें, मगर इसके बावजूद उनका अंजाम क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सब हम इंशाल्लाह आज की आयात में देखेंगे कि उनके साथ अल्लाह ताला क्या मामला करते हैं। तो जब भी हम कुरान पढ़ते हैं, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं इस्लाम के हवाले से, तो उसमें अपने आप को देखिए, उस आईने में अपने आप को देखिए कि कहीं हम तो ऐसा मामला नहीं कर रहे। तो वो जो एक चुनी हुई कौम थी, उसने अल्लाह ताला के साथ क्या मामला किया, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के साथ क्या मामला किया, और अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबरों के साथ क्या मामलात किए, ये सब हम आज जानेंगे। तो क्या है, इस सब में हमने अपने आप को जाँचना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون। اے بني اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یعنی کیا ہے کہ کون سی نعمت بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کی قوم کہلاتی ہے، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کے اولاد کو کیا ہے آگے بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ تو یہ انداز اختیار کیا گیا ہے جو کہ بہت محبت اور شفقت پر مبنی ہے، یا بنی، اور کون سی نعمت یاد کروائی جا رہی ہے کہ کون سی نعمت، حق کی نعمت۔ حق کی نعمت کیا ہے، نبیوں کو بھیجنا، ہدایت کی نعمت دینا، کتابیں بھیجنا، اور طرح طرح کے احسانات اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیے، وہ نعمتیں بنی اسرائیل کو یاد کروائی جا رہی ہیں۔ اور یاد کروا کے کہا جب کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے
या बनी इसराइल नस्कुरु नियमति यल्लती अनअमतु, नेमत कब याद करवाई जाती है? जब इंसान उस चीज़ को भूल रहा हो, अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहा हो, या कह रहा है रास्ते भटक रहा हो, तो अल्लाह ताला के उस याद तो करो बनी इसराइल उस नेमत को जो हमने तुम पर की थी। कौन सी नेमत? हिदायत। व ओफी बे आहदी ओफी बे आहदी कुम, तुम मेरे अहद को पूरा करो। अल्लाह ताला से हमने क्या अहद लिया है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। जो पीछे हज़रत आदम का जिक्र आया कि उनको ज़मीन पर उतार दिया गया, तो हज़रत आदम को ने क्या तोबा की, और जब तोबा की तो उसके बाद क्या गया, हिदायत के रास्ते पर चलूँगा। तो अब क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि उस वादे को तो पूरा करो। वैया फरहाबून, और से मुझसे ही डरो। وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور اس کتاب پہ ایمان لے آؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے, اور اس کے ساتھ تم پہلے کافر نہ بنو, اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت میں نہ فروخت کرو, اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس وقت کے یہودیوں کی جو مدینہ میں رہتے تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, تو کیا ہے وہاں پہ موجود مدینہ کے موجود کیا تھے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہو رہی ہے, یہ اللہ کا کلام جو نازل ہو رہا ہے, یہ کیا ہے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, اس کو بھی اپروو کر رہا ہے. تو کیا ہے تم کیا کرو, تم اس چیز کو اپروو کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ واقعی سچ ہے, یہ کلام الہی ہے, اور کہ تم اس سے پہلے کافر نہ بنو. یعنی کہ جب کوئی اہل علم ہوتا ہے تو اگر وہ ہی کسی چیز کا انکار کر دے تو پھر کیا باقی جو فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی کیا انکار کر دیتے ہیں. تو اہل علم تھے, اہل کتاب تھے یہ قوم مدینہ کی جو یہودی تھے, تو کیا وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, اور یہ کتاب جو کلام الہی ہے یہ سچا ہے. مگر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, تم انکار مت کرو. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو, تم اس کلام الہی کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو, کیونکہ تمہیں دیکھ کے بہت سے لوگ اس چیز کا انکار کر دیں گے. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں, والا تشترو بھی آیا تھی سمن کلیلا, اور کیا ہے اس نبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا برحق ہونے کا کیا ہے, ان والی آیات جو تمہاری قرآن پاک میں تمہاری تورات میں موجود ہے ان کو چھوٹی قیمت میں تھوڑی قیمت میں دنیا کے فائدے کے لیے چھپا نہ دو یا بیچ نہ ڈالو. وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ, اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. کیا ہے دنیا میں تھوڑے سے فائدے کے لیے حق کو مت بھیجو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں آئی ہیں اس پہ پردہ مت ڈالو. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مانا, یعنی ان کی کیا تھی کہ ہم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو کیا ہماری سرداری چلی جائے گی, ہم جو یہودی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا وہاں کے یہودی اور جو مشرقین تھے وہ کیا مل کے کیا کہ اپنے لیے سردار چن رہے تھے. لیکن کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انہوں نے اس مدینہ کا سردار چن لیا. اب ان کی جو یہ جیلسی تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انکار اس طریقے سے کر دیں کہ کیا ہے لوگ ان کو مانے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے اپنی تورات کی جو آیات ہیں اپنی کتاب کی آیات کو بیچنا ڈالو. وَإِيَّايَ, اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل, اور بنی اسرائیل کے علماء سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیا نہ کرو, حق کو باطل کے ساتھ خلط مت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ, تمہیں تو خود اس کا علم ہے. یعنی حق کر کھو, حق کو جو ہے تمہارے پاس ہے جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے اس کو کھول کر بیان کر دو, تعویلیں مت کرو, اصل بات جو ہے اسے بتا دو. کیوں؟ کیونکہ عوام الناس جو تھے وہاں کے لوگ جو تھے وہ کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بتاتے تھے کہ میں نبی ہوں تو وہ کیا تصدیق کے لیے کن کے پاس جاتے تھے, جو پہلی قوم تھی جو پہلی چنی ہوئی قوم تھی ان کے پاس جاتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں, ادھر کے اسکالرس کیا کہتے ہیں, ان کے علماء کیا کہتے ہیں یہودیوں کے. تو لیکن وہ کیا کرتے تھے, حق کو باطل کے ساتھ خلط مت کرتے تھے, یعنی بات کو واضح طریقے سے بیان نہیں کرتے تھے, درست جواب نہیں دیتے تھے, اور کیا جو حق تھا اس کو چھپا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و ارکعوا مع الراکعین, یہ جو تم معاملہ کر رہے ہو یہ تو تم حق کو چھپا رہے ہو اور کیا حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو, حالانکہ تم علم رکھتے ہو اس چیز کا, یہ تمہارے علم میں ہے یہ تمام چیزیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو.
ये क्या है कि इस चीज़ के बाद क्या है, नमाज का क़याम, नमाज को कायम करना। नमाज कायम कैसे होती है कि उसके रुकू, अरकान, शराइत सबको बेहतरीन तरीके से अदा करना। वात ज़कात हो, अपने मालों से सदका करना, अपने मालों से हक देना। किसका हक देना? अल्लाह ताला का हक देना, लोगों का हक जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे माल में रख दिया है वो देना। वो अरकमर को मार राखें, और फिर क्या, फिर कहा जा रहा है कि जब ईमान की दौलत मिल जाए तो वर का रखू, क्या है आजिज़ की लामत है। एक दफ़ा पहली मरतबा बात होगी नमाज की तो फिर रुकू की बात क्यों, कि आजिज़ी अख्तियार करो, अपनी इबादत पर फख्र ना करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तंसौना अन्फुसकुम वअन्तुम तक़रऊना अल-किताब अफ़ला तअक़िलून। क्या लोगों को भलाई का हुक्म करते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद इसके तुम एक किताब पढ़ते हो, क्या तुम्हें इतनी भी बात समझ नहीं आती है? कि यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या है, तुम अपने आप को देखो कि तुम दूसरों को नेकी का हुक्म दे रहे हो, भलाइयों की तरफ बुला रहे हो, दूसरों को कह रहे हो ईमान लेके आओ और अल्लाह ताला को एक मानो, क्या नफ़ा नुकसान का मालिक उसको मानो, लेकिन क्या तुम खुद क्या कर रहे हो, तुम दूसरों को तो हुक्म दे रहे हो लेकिन अपने नफ्स को भूल जाते हो। वह अन तुम तकलून अलकिताब अफला तअक़िलून, अल्लाह ताला कह रहे कि तुम किताब पढ़ने वाले हो। वह अन तुम तकलून अलकिताब, तुम किताब पढ़ने के बावजूद ऐसा मामला कर रहे हो कि तुम इस किताब से दूसरों को तो नसीहतें करते हो लेकिन अपनी ज़ात को, अपने नफ्स को तुम भूल जाते हो। अफला तअक़िलून, क्या तुम इस चीज़ से अकल से काम नहीं लेते? अल्लास्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नहा लकबीरत इल्ला अलल खाशीन। अल्लाह ताला कहते हैं सब्र के साथ, ठीक है, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। वइन्नहा लकबीरत इल्ला अलल खाशीन, और ये बहुत बड़ी और बड़ी शाक चीज़ है मगर डरने वालों के लिए। ठीक है, ये जब आप आओ कि हक की तरफ, लोगों को हक बताओगे, अल्लाह ताला की तरफ बुलाओगे, एक वाहिद माबूद की तरफ बुलाओगे, एक इलाह की तरफ बुलाओगे, तो तुम्हें क्या है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि नबियों ने भी क्या है सिर्फ एक इलाह की तरफ बुलाए थे, एक माबूद की तरफ बुलाए थे, तो उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इसी तरीके से कि क्या है, जब हम इसका दीन का काम करेंगे, हम जब ये किताब पढ़ के सुनाएंगे, जो पीछे बात हुई कि मन तुम तकनून किताब, जब तुम किताब पढ़ के सुनाओ तो जब तलावत करोगे किताब की, जब लोगों को इस किताब की तरफ बुलाओगे तो तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब उस मुश्किलात को फेस कैसे करना है, वस्तईन बिसब्री, ये सब्र के साथ, वसला और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, सब्र करना बहुत मुश्किल है। इल्ला अलल खाशीन, मगर किन लोगों के लिए आसान हो जाता है, जो अल्लाह ताला से खुशू करते हैं, अल्लाह ताला से हकीकी तौर पर डरने वाले हैं, जिनके दिलों में अल्लाह ताला का हकीकी खौफ बैठ चुका है, तो क्या उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता सब्र करना। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, हम जानते हैं कि अपने रब से मुलाकात करने वाले उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। कि जब उनको राह हक की तरफ कोई मुश्किलात आती हैं, कोई उनको कह दुश्मनी फेस करनी पड़ती है, कोई गलत उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं, तो क्या है वो जानते हैं कि क्या है, उन्हें अपने रब से मुलाकात करती हैं, अपने रब से मुलाकात करनी है, वो उसे आखिरत का दिन याद है, तो वो बुराई को बुराई से दूर नहीं करते, वो अपने पे काबू रखते हैं। तो जब वो अपनी वापसी को याद रखते हैं, अपने रब की तरफ लौटने को याद रखते हैं, तो वो किसी भी बुरे रिएक्शन से बच जाते हैं। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन, ए औलाद याकूब, मेरी इस नेमत को याद करो जो तुम पर इनाम की थी, मैंने तुम्हें तमाम जहानों वालों पर फजीलत दी थी। कि क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि दोबारा बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि अपने इनामात याद करा लें, अल्लाह ताला ने उन पर क्या इनाम किया था, कि उनको इतनी कौमों में चुन लिया था, किस चीज़ के लिए चुन लिया था, नबूवत के लिए चुन लिया था, हिदायत के लिए चुन लिया था। तो ये क्या है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत थी, तुम इस नेमत को तो याद करो कि मैंने तुम्हें तमाम जहानों वालों की फजीलत दी थी। और क्या कहा जाता है, अक्सर पैगंबर इन्हीं की कौमों से उठाए गए थे, मगर तुमने उस अच्छे
चुनी हुई उम्मत होने का हक अदा किया क्या? जब तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी गई तो तुमने खुद क्या किया? वक्त कोई अल्लाह तजी नफ्स शफ़ातमिन उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा ना देगा और ना शफात उसकी सिफारिश कबूल होगी, ना कोई बदलाव ना फिदिया लिया जाएगा, ना ही वो मदद किए जाएंगे। यहाँ पे इनके कह रही थी कि बात हो रही है कि वो क्या समझते थे यहूदी कि हम चुनी हुई कौम है, तो वो समझ रहे थे कि हम आखिरत के लिहाज से भी चुने हुए हैं कि जब हमें दुनिया, वो ये सोच रहे थे कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में चुन लिया है तो हमें आखिरत में भी क्या अल्लाह ताला के महबूब चाहते रहेंगे, वो अल्लाह ताला हमें क्या है अपनी नाफरमानी उसकी नाफरमानी के बावजूद जो हमने उसकी की है हमें जन्नत में ले जाएगा, हमें कोई नुकसान नहीं देगा। तो अल्लाह ताला उनके इस कॉन्सेप्ट को, इस गलत बात को रद्द कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कहेंगे रह रहे हैं कि उस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। ये जो तुम्हें अपने अंबिया पे है कि तुम्हारे अंबिया तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो ऐसा मामला नहीं होगा, कोई जान किसी न जान के काम नहीं आएगी। वाला युकबलू मिन्हा शफ़ातुन और किसी से उसकी शफ़ात भी कबूल नहीं की जाएगी और वाला युकबलू मिन्हा शफ़ातुन वाला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वाला हुम युन्सरून और फिर न उस दिन क्या है उनको बदला दिया जाएगा, यानी उनको नहीं कोई फिदिया दिया जाएगा ना ही वो मदद किए जाएंगे। तो ये वो मामला है जो रोज़ क़यामत होना है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें अपने लिए खुद तैयारी करके जाने हैं, उस दिन क्या है ये तमाम चीज़ें जिनकी उम्मीद लेके जा रहे हैं ये हमारे किसी काम नहीं आएंगी। व इस नजैना को मीना अली फ़िरऔन यसूमुना का सुअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम और जब हमने तुम्हें फ़िरऔनियों से निजात दी तुम्हें बदतरीन अज़ाब देते थे और तुम्हारी लड़कियों को मार डालते थे, तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, इसलिए निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी ना मेहरबानी थी। ये क्या अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं अपनी एक नमत फरियाद कराने के, तुम्हें क्या किया था मैंने आले फिरौन से निजात दिलवा दी थी। फिरौन कौन था? मिस्र का बादशाह था, फिरौन का लकब था, उसको फिरौन के नाम से पुकारा जाता था। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वो किस तरह का जालिम बादशाह था कि वो तुम्हें बुरा अजाब देता था। कैसे बुरा अजाब देता कि कहा जाता है कि वो क्या है उनसे जिस्मानी मशक्क़त करवाता था और क्या है उन्हें जीने का हक तक नहीं था, यानी सोलह अजाब उन्हें बुरा अजाब देता था। और ये सब भी होना अपना को और मजीद क्या करता था कि उनके बेटे को ज़िबा कर देता था, मैं इस्तहयूना और ज़िंदा रखता था उनकी औरतों को। मैं फ़ी ज़ालिकुम और इसमें उनके लिए बलाऊँ बड़ी आजमाइश थी मेरे रब्बिकुम अज़ीम उनके रब अज़ीम की तरफ से। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो उस फिरौन से मैंने तुम्हें निजात दी जो तुम्हारे ऊपर ये जुल्म करता था। कहा जाता है बनी इसराइली रवायात में आता है कि क्या है उसने फिरौन ने ख्वाब देखा था, वो क्या है जो क्या है कि बनी इसराइल में से एक कोई लड़का उठेगा और जो उसकी बादशाहत को ख़त्म कर देगा, इसी वजह से वो क्या है उसके बेटों को मरवा देता था और औरतों को ज़िंदा रहने देता था। तो इस वजह से ये मामला था, लेकिन क्या है इसकी असल हकीकत हमें नहीं पता कि वो वाकई ये ख्वाब देखा था या वो खुद जानबूझ के ऐसा कर रहा था क्योंकि उसके डर था कि क्या है मेरे साथ कोई ऐसा मामला ना हो जाए। तो ये कौम की हलाकत तो तबाही की अलामत होती है जब उनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरी तरफ से आजमाइश थी और ये कोई छोटी आजमाइश नहीं थी, लेकिन क्या है मैंने क्या है तुम्हें इस चीज़ से भी निजात दे दी। फिर क्या किया वह इस फ़र्क नबी को बहरफ़ अनजैनाकुम व अग़रक़ना आले फ़िरऔन व अन्तुम तंज़ुरून और फिर मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया जब तुम्हें फ़िरौन से निजात दी तो तुम्हारे लिए क्या किया कर दिया दरिया को समंदर को फाड़ दिया। वह अनजैनाकुम फिर निजात दी तुमको बख़रक़ना और गर्क कर दिया आले फ़िरौन को व अन्तुम तंज़ुरून तुम इसे देख रहे थे। कि अल्लाह ताला फिर याद करवाते हैं कि देखो कि जब उस फ़िरौन से मैंने तुम्हें निजात दी और फिर निजात किस तरीके पर दी कि जो आज तक ऐसा नहीं तरीका अपनाया गया, जो आज तक किसी कौम के लिए नहीं हुआ कि समंदर को फाड़ दिया गया और तुम्हें उस तरह से बचा के निकाल दिया और उसी समंदर में फिरौन को गर्क कर दिया और तुम्हारे सामने वो तुम्हारा दुश्मन इतना बड़ा बादशाह डूब गया। व इस वाद ना मूसा अरबाइन लैलतमतमबादीमून और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया फिर तुमने इसके बाद बिछड़े को पूछना शुरू कर दिया और ज़ालिम बन गए, यानी
यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या है, जब वो वहाँ से निकल आए तो हज़रत मूसा ने उनको ले ला के एक सहरा में आबाद कर दिया। अब जब वो सहरा में आ गए, वादी ती में आ गए, तो क्या है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत मूसा को कि आके 40 दिनों के लिए क्या कहें मेरे पास आइए, कोई तो पे आइए और मुझसे अपनी किताब तौरात को ले जाइए। जब हज़रत मूसा गए तौरात लेने के लिए अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए, तो क्या है पीछे से क्या किया उसकी कौम ने क्या बछड़ा बना दिया। कहा जाता है कि फ़िरौन में बुतों की इबादत होती थी मिस्र में, तो वो क्या ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब ग़ुलामी से आज़ाद हो तो सोच उनके अभी तक फ़िलहाल ग़ुलामी वाली थी, तो अल्लाह ताला ने क्या जब वो अल्लाह ताला ने उनको तौरात के लिए बुलाया, उनके नबी को कहिए तौरात लेके जाएँ किताब लेके जाएँ, तो उन्होंने पीछे से क्या मामला किया। कहा जाता है कि एक शख्स था सामरी, सामरी नाम का, उसने क्या किया कि सोना जो उनके पास था तमाम कौम के पास गोल्ड जो था उसको मिला के एक बछड़ा बना दिया। कहा जाता है कि इस तरीके से बनाया कि क्या है उसमें सुराख थे दो, और जब हवा चलती थी सहरा में तो वो उसमें से आवाज़ आती थी, जब उसमें से आवाज़ गुजरती थी तो क्या वो आवाज़ पैदा करती थी। तो इन्होंने इस बछड़े को पूछना शुरू कर दिया, सब माफ़ होना उनको मेहमान तालिका अल्लाह को तशकुर, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इसके बावजूद तुम्हें माफ़ कर दिया, तुमने इतना बड़ा शिर्क किया मेरे साथ, मेरे साथ मेरी इबादत में तुमने बछड़े को शरीक किया, लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी माफ़ कर दिया। और किस लिए माफ़ कर दिया अल्लाह को तशकुरून, कि अल्लाह ताला अगर हमें हमारे गुनाहों के बावजूद दुनिया में हमें ढील दे रहा है तो इसका क्या मतलब है हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से और उसका शुक्रगुजार बनना चाहिए। वह इस आते ही मूसा किताब अबल फ़ुरक़ान अल्लकुम तहतदून, और हज़रत मूसा को जो किताब दी गई थी या जो मौजज़ात दिए गए थे, अलफ़ुरक़ान मौजज़ात के बारे में आता है कि फ़ुरक़ान हक़ को बातिल में फ़र्क करने वाले को फ़ुरक़ान कहा जाता है, इससे मुराद तौरात भी हो सकती है और उनको नबी हज़रत मूसा को दिए गए मौजज़ात भी हो सकते हैं। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब व मौजज़े अता फ़रमाए थे, कि जो हज़रत मूसा को किताब भी तौरात मिली थी और फ़ुरक़ान और मौजज़ात मिले थे, वो किस लिए दिए गए थे तुम हिदायत पा जाओ, इन चीज़ों को देख कर तौरात को पढ़ कर और मौजज़ात को सामने देख कर क्या है तुम हिदायत पे आ जाओ। वह इस कौल मूसा लिकौमी या कौमी इन्नकुम ज़लमतु अन्फुसकुम बित्तिखाज़िकुम अल-इजला फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अन्फुसकुम, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम बिछड़े बछड़े को माबूद बनाकर तुम अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने को आपस में कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह ताला के नज़दीक इसी में है, तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। कहा जाता है कि क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में वापस आए तो जब उन्होंने देखा कि उन्होंने बछड़े को एक माबूद बनाया है, तो क्या कहा कि तुमने तो अपनी जानों पर जुल्म किया, अब अल्लाह ताला ने उनके लिए सज़ा क्या रखी कि वो जिन्होंने क्या माबूद बना के पूजा था बछड़े को, वो क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को कत्ल करेंगे, और क्या ही अल्लाह ताला की तरफ से कफारा था उनके गुनाह का, यानी वो एक दूसरे को मारेंगे तो ही उनकी तौबा कबूल होगी। तो बाज़ गुनाह बाज़ नाफरमानी अल्लाह ताला की ऐसी होती हैं जिनका कफारा अदा किए बग़ैर जिनकी सज़ा भुगते बग़ैर इंसान के लिए तौबा नहीं होती है, जिस तरह क्या है ज़िना की सज़ा है, तो ये क्या है कुछ सज़ाएँ लाजमी अल्लाह ताला कफारे के तौर पर हमें अदा करनी होती हैं। व इस कुल तुम या मूसा लन नुमिन लका हत्ता नर अल्लाह जहालतन फ़अख़ज़तकुम सायकतु वअंतुम तंज़ुरून, इतनी नेमतों के बावजूद अल्लाह ताला ने क्या है इतना सब कुछ किया लेकिन उनकी नाफरमानी के बछड़े को माबूद बनाया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं, हमें क्या है जो आप तो रात लेके आए हो, हमें जिस तरफ से लेके आए हो हमें उसके सामने दिखाएं, हमें यकीन नहीं है कि क्या है ये आपको रब ने दी है, हम तो हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, यानी गुस्ताखी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कर दिया उनके साथ मामला के अफाखत का, तो कहा जाता है कि ये 70 लोग थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ कोई तौर पर लेके गए थे, जब कोई तौर पर इनको लेके गए तो क्या इन्होंने पहले अल्लाह ताला की जब आवाज़ से कलाम कर रहे थे हज़रत मूसा तो वो सुन रहे थे, लेकिन जब ही जैसे ही उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को तो हम तो सामने देखना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला की एक तजल्ली ही थी, हो गए वो हलाक हो गए। तो तरह तरह के मुतालबात उन्होंने किए तो उनके लिए मज़ीद मुश्किल में इजाफ़ा हुआ। सुम अब्बास नकुमबादी मौती कुमला अल्लाह तशकरून, फिर अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हें ज़िंदा कर दिया कि तुम शुक्रगुजारी करो कि तुम्हें मौत के बाद दोबारा उठाया गया। ये क्या है हज़रत मूसा ने कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो पिछली कौम को जाकर पिछली कौम को जाकर क्या खबर दूंगा कि उनके साथ क्या मामला हो गया जो 70 लोग मेरे साथ आए थे। तो क्या है अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की वजह से उन 70 लोग को दोबारा ज़िंदा कर दिया, तो जो उनका अकीदा था कि हम मर के दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे अल्लाह ताला ने उसे भी साबित कर दिया।
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پہ بادل کا سایہ کیا, تم پہ من سلوا اتارا اور کہہ دیا کہ مائی دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا, البتہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ پھر سے نعمت یاد کراتے ہیں کہ کیا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل تمہارے لیے دیکھو ایک صحرا میں, ایک ڈیزرٹ میں تمہارے لیے کیا کیا, بادلوں کا سایہ کر دیا. جہاں پہ دھوپ اور سخت گرمی ہوتی ہے وہاں تمہارے رہنے کا انتظام کس صورت میں کیا کہ تمہارے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا اور تم پر کیا ہے منو سلوا نازل کر دیا, کہ تم جو فرعون سے چھوٹ کے آ رہے تھے یہاں پہ, اسے تم نے قیام کیا تھا اس صحرا میں, تو کیا ہے اس صحرا میں کچھ کھانے پینے کو اگ تو نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے انتظام کر دیا کہ ان کے لیے منو سلوا آسمان سے کھانا آتا تھا. تو یہ اس قوم کی چنی ہوئی قوم کی سعادت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منو سلوا بھی اتارا آسمان سے. لیکن اس منو سلوا کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان بادلوں کا سایہ کیا ہے تم پہ, تمہارے کے پاکیزہ کھانے اتارے ہیں, پھر بھی اس کے باوجود تم نے ظلم نہیں کیا, ظلم کیا ہے اپنے آپ میں, البتہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب ناشکری کر کے ہدایت نہ لے کے تو کیا تم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو. وہ اس کل نت کلو حاضر کریے تک فکل منہا ہے سوشی تم, اور پھر کہا کہ جاؤ اس بستی سے, جاؤ کہیں سے جاؤ بافراغت کھاؤ, کھاؤ پیو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو. پھر کیا ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کیا ہے بنو سلوا نہیں کھانا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر منو سلوا آسمان سے اترا کھانا نہیں کھانا تو تم کسی بھی بستی میں چلے جاؤ, اسی طرح تمہیں جا کے اپنی پسند من پسند چیزیں جتنی چاہو کھاؤ اور پیو. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے, جتنا چاہے کھایا پیا جا سکتا ہے, لیکن کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, شکر ادا کرتے ہوئے, یعنی سے کہ سجدہ کرتے ہوئے اپنے لیے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو کہ تمہیں اتنی بڑی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی فرعون کے عذاب سے, تو تم اتنے سالوں سے برداشت کر رہے تھے اس کی غلامی سے تمہیں نجات دی, تو تم کیا کرو کل حتہ دونوں کے بخشش مانگو اپنے لیے صحیح خطایا اور اپنے گناہوں پہ بخشش مانگو جو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے آئے ہو, مثلاً نزید المحسنین, اور جب تم اپنی کیا غلطیوں پہ ایک کا اعتراف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اس کے اجر زیادہ دے گا. فبدل الذین ظلموا قولا قائل الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا, پھر انہوں نے اس بات کو جو ان سے کی گئی تھی بدل ڈالی, ہم نے بھی ان ظالموں پہ اس کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کر دیا. پھر بھی کیا ہے انہوں نے کیا کیا دیا, نافرمانی کر دی. کیسی نافرمانی کہ ان کو کیا ہے کہا جاتا ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تاؤن کی بیماری ڈال دی. تاؤن کی بیماری جب ان پہ نازل ہوگی عذاب کی صورت میں تو کہ تاؤن پھیل گیا اور پھر حکم آیا کہ تم نے وہاں سے نکلنا نہیں ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حتہ تن بخشش مانگتے ہوئے داخل ہو, انہوں نے اس لفظ کو کہا جاتا ہے ہنتا تن, ہنتا تن عربی میں کہتے ہیں, سریانی زبان میں کہتے ہیں کس کو گندم کو, تو انہوں نے گندم مانگی. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل ڈالنے پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ان کے آسمان سے عذاب تعاون کی شکل میں نازل کرتے. وہ اس طرف کا موسیٰ لقومی ہی, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر میں مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا, ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ اور پیو, زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. ٹھیک ہے, جب صحرا تھا یعنی ڈیزرٹ تھا تو وہاں پہ کیا ہے ظاہر پانی کا انتظام بھی نہیں تھا, تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کہا جاتا کہ لاکھوں کا لشکر تھا تو اس کے لیے پانی بھی اسی حساب سے چاہیے تھا. تو کیا ہے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے, اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا. یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کے کیا ہے 12 قبیلے تھے, تو کیا ان قبیلوں کو قبیلہ وائز کیا ہے دے دیا گیا ایک ایک چشمہ, 12 قبیلے نکلے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کلو اشربو کھاؤ اور پیو, مگر کیا نہیں کرو, ولا تعصوا فی الارض مفسدین, مگر اس کھا پی کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا پی کے زمین پہ فساد ہی مت کرو, زمین پہ فساد مت کرو. دیکھیے کہ جہاں پہ نعمتوں کی کثرت ہے, جہاں پہ
अल्लाह ताला की नेमतों की कसरत है, अल्लाह ताला के इनामात की कसरत है वहाँ पे, क्या है उसका यूज़ करने के बावजूद, इतनी नेमतों के इस्तेमाल के बावजूद वहाँ फसाद है। क्यों है? क्योंकि क्या है, हम उस असल रब को, उस चीज़ को छोड़ चुके हैं, उस रब को छोड़ चुके हैं कि जो हमें नेमतें देने वाला था। तो ये जब ये नफरमानी करते हैं तो वो ज़मीन में क्या फसाद का सबब बनते हैं। और फिर इसको तुम या मूसा लन नस्बिर अला ताअमिन वाहिदिन, जब कहा मूसा को कि हम तो हरगिज़ एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते। जब मनो सलवा उनके लिए उतर रहा था तो उनकी कौम ने कहा कि हम तो रोज़ाना एक जैसा खाना नहीं खा सकते, ये वन डिश हमसे खाई नहीं जाते। और फिर क्या, इसलिए अपने रब से क्या किया, यानी इससे पता चलता है कि दुआ भी खुद नहीं करे, हज़रत मूसा को कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करें। तो हज़रत मूसा से दुआ कह रहे हैं कि हमारे लिए करें, क्या दुआ करें कि हमें क्या ये मनो सलमा नहीं चाहिए, हमें तो तरह तरह के खाने चाहिए। और क्या खाने चाहिए? जो ज़मीन की पैदावार में से साग, ककड़ी, गई मसूर, प्याज दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेहतर चीज़ के बदले तुम अदना चीज़ को क्यों तलब करते हो? आसमान से उतरने वाला खाना जो स्पेशल या किसी कौम के लिए, एक दुनिया में किसी इंसान के लिए नहीं उतरा, तुम्हारे लिए उतारा जा रहा है, तुम क्यों उस बेहतर चीज़ को छोड़ के दुनिया की हकीर चीज़ के लिए तलब कर रहे हो? तो उन्होंने दुआ नहीं की इस हवाले से। हज़रत मूसा ने क्या कहा, अच्छा शहर में जाओ, अच्छा इस शहर को छोड़ दो, उस शहर में किसी चले जाए, तुम्हारी चाहत के मुताबिक ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी वहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, इन पे ज़िल्लत और मस्कनत डाल दी गई, अल्लाह का गज़ब लेके लौटे। तो देखिए कि क्या है, कहाँ अल्लाह ताला के वाकियात, कहाँ अल्लाह ताला के इनामात, कहाँ अल्लाह ताला के एहसानात, और कहाँ वो ज़िल्लत और मस्कनत, और किस वजह से? देखिए, इन्होंने ज़िंदगी का मकसद खाना और पीना ही बना लिया था। तो जब गज़ब आ जाए तो अल्लाह की रहमत चली जाती है, और जब अल्लाह ताला की रहमत चली जाए तो इंसान तरह तरह की ज़िल्लत और मस्कनत का ही शिकार हो जाता है। और ये वजह क्या थी कि अल्लाह अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कि खैर को, भलाई को छोड़ के, अच्छी बेहतर चीज़ को छोड़ के दुनिया की चीज़ों के पीछे भागे, ज़ुबान के ज़ायक़ों के पीछे भागे। तो आज हमारे मुसलमानों का भी यही रह गया है, ज़िंदगी का मकसद कि अच्छा खा लिया जाए, अच्छा पहन लिया जाए, कहाँ अच्छे होटल खुल गए, कहाँ हम रात का खाना खाएं, कहाँ हम दिन का खाना खाएं। तो ये क्या, यही ज़िंदगी क्या है, खाने पीने की गिर घूम गए। जब उन्होंने ये मामला किया तो अल्लाह ताला ने उन पर मस्कनत और गज़ब डाल दिया। तो आज हम इतने मुसलमान होने के बावजूद, अरबों खरबों में मुसलमान होने के बावजूद हम रसवा क्यों हैं? क्योंकि क्या है, हम भी अपना असल मकसद भूल गए। एक चुनी हुई कौम हम भी थे, हैं एक चुनी हुई कौम वो भी थी। तो जब उन्होंने अल्लाह ताला के इनामात एहसानात को ना माना और दुनिया की लज्जत और ज़ायकों के पीछे पड़ गए, तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामला किया? जब ये मस्कनत उन पर डाल दी, वबाउ भी गज़ब मिनल्लाह, अल्लाह ताला के गज़ब के साथ वो पढ़ दे, अल्लाह ताला कहते हैं ये किस वजह से किया? उनके कुफर की वजह से किया। यकफुरून भी आयातुल्लाह, अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते थे ये लोग। और दूसरी बात कि हमारे यकतुलून नबीन, और नबियों को कत्ल कर देते थे बग़ैर हक के, यानी जो हक की तरफ बुलाता भी था तो उसको ये मार डालते। कहा जाता है कि इन्होंने याहिया को, जो इनकी तरफ आए थे, इनको कत्ल कर डाला था सिर्फ इस वजह से कि वो के एक माबूद की तरफ क्यों बुलाते हैं। जाल का भी मास हुआ कानून या तो दून, और ये इस वजह से था कि वो नाफरमानी करते थे और ज़्यादती करते थे। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबीन, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, बेशक वो लोग जो ईमान लाए हैं और वो लोग जो यहूदी हैं, नसारा हैं, सवाबी हैं। तो ये क्या है, मुख्तलिफ कौमें हैं, यहूदी के यहूद जो है आज, और नसारा ईसाई को कहा जाता है, सवाबी का है जो हर कोई जो अपना दीन छोड़ के क्या मुर्तिद हो जाए तो क्या उसे सवाबी कहा जाता है। जो किसी दीन को भी न माने वो भी सवाबी होता है। जो कोई भी अल्लाह ताला पे क़यामत के दिन पे ईमान लाएगा, उन्हें कमल करेगा, उसके लिए अजर उसके रब के पास है, ना उस पर कोई खौफ होगा ना उनकी उदासी होगी। और उनके लिए क्या है, ना खौफ ना उदासी होगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि निजात का, जब तुम आखिरत में निजात पाना चाहते हो तो किसी ख़ास ग्रोह में होना काफ़ी नहीं। अगर तुम सवाबी हो तो सिर्फ नबी को मान लो, नबी को मान लो, अल्लाह को एक मान लो, तो क्या तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। अगर तुम यहूदी हो तो क्या है, रब को मान लो, हो क्या नबी पाक को मान लो, अल्लाह ताला की किताबों को मान लो, तो क्या तुम्हारे लिए बख्शिश है। ये तुम्हारे नाम तुम्हें फ़ायदा नहीं देंगे,
तुम्हारा ईमान तुम्हें फ़ायदा देगा। वाइस अखसना मीसाक़ कुम रफ़ाना फ़ौक़कुम अत्तूर, और जब हमने लिया मीसाक़ पुख्ता अहद वफ़ाना बुलंद किया तुम्हें कोहे तूर को, खुदो पकड़ो माँ जो होता इनकुम जो दिए गए तुमको वत में से, वस्करो माफ़ी लालकुम तत्तकून, और जिक्र करो जो किया उसमें है लालकुम ताकि तुम तकवा अख्तियार करो ताकि तुम क्या बच सको। कहा जाता है कि इनकी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ताला ने क्या किया, आखिरी हुज्जत के तौर पर इनके ऊपर तूर को ला के खड़ा कर दिया इनके सरों पे, कि अब ये जो किताब दी जा रही है तौरात तुम इसको पकड़ोगे। पकड़ने से क्या मुराद है कि तुम इसको मजबूती से पकड़ोगे, यानी क्या है, इसको याद करोगे, इस पर अमल करोगे, इसको भूलोगे नहीं, इसको ज़िंदगी में अप्लाई करोगे, और इसको बस करो नसीहत करोगे इसके साथ माफ़ी ही जो इसमें है लाकुम ताकि तुम क्या तब तक तकवा अख्तियार करो ताकि तुम बच जाओ। जब तो रात को पकड़ा दिया गया ने और इस वक्त किस्म का वादा ले लिया गया उनसे, तो कहा क्या गया कि इसको याद रखना है। किस तरह याद रखना है, पढ़ के भी याद रखना है और अमल से भी, इसको दुनियावी ज़िंदगी में अपने अमल में लेके आने हैं, दुनियावी मामलात में इसको अमल में लेके आने, ताकि क्या तुम बच सको, किस चीज़ से बच सको, अल्लाह ताला के अज़ाब से बच सको, उस दिन की रसवाई से बच सको। सुम्मा तवल्ले तुम इबादी जालिका, फिर तुमने मुंह मोड़ दिया इसके बाद, फलाउला तो क्यों ना होता, अल्लाह का फजल अलैकुम तुम पर वरहमत उसकी रहमत, लकुम तुम अलबत्ता होते तुम खासरी खसारा पहनने वालों से। इतना बड़ा अहद, इतना बड़ा वादा ले कि कोई तूर तुम पर मुसल्लत था गिरने वाला, अल्लाह ताला चाहते तो गिरा देते, लेकिन क्या अल्लाह ताला ने तुम पर रहमत की फजल किया, लेकिन तुमने इसके बावजूद जब वादा तो ले लिया उसके बाद क्या किया, तुमने भूल के या जान बूझ के क्या उस किताब को भुला दिया, ना अपनी अमली ज़िंदगी में उस पर अमल किया, अमल में लेके आए, ना ही उसको पढ़ के देखा। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह ताला का फजल और रहमत है कि क्या तुम्हारी पकड़ फौरन नहीं कर दी अल्लाह ताला ने, कि तुम वरना तो तुम क्या नुकसान उठाने वालों में से थे। तो आज हमारे लिए भी यही मामला है कि अल्लाह ताला ने हमें किताब भेज दी हुई है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए किताब भेज दी हुई है, अल्लाह ताला से हम से वादा ले चुके हुए हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का फजल है कि हमें रोज़े क़यामत तक छूट है कि क्या हम जो जैसे अमल करें, और ये उसकी रहमत है। अगर अल्लाह ताला कहे आज हमारे गुनाहों पे हमें पकड़ने शुरू पकड़ दे, तो क्या आज कोई इस रूए ज़मीन पे ज़िंदा ना बचे। वलक़द अलिमतुम अल्लज़ीना तदुमुनकुम फिस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन, फिर क्या है, इन यहूदियों के लिए ख़ास हुक्म ये था जिसका हमारे लिए जुम्मा मुबारक दिन है, उनके लिए था हफ्ते का दिन मुबारक। और कहा जाते ये क्या है, एक समंदर के पास रहते थे, तो क्या है उधर मछलियाँ बहुत आती थी, मछलियों का कारोबार करते थे, तो जब क्या है इनको हुक्म आया कि जो हफ्ते का दिन है उसमें तुमने ख़ास सिर्फ अल्लाह ताला के लिए वक्त कर देना है, उसमें सिर्फ इबादत के अलावा दुनिया का कोई काम नहीं करोगे, तो जब यह हुक्म आया तो क्या है, तो अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश इनके लिए हफ्ते वाले दिन मछलियाँ भी समंदर पर ज़्यादा आती थी, तो इन्होंने क्या हुज्जत की, क्या हिला किया कि इन्होंने ये जुम्मे के ही क्या है रात को ही जाल डाल देते थे और पूरा हफ्ता क्या है ये काम नहीं करते थे, इतवार को क्या है जाल निकाल लेते थे जिसमें अच्छी खासी मछलियाँ फंसी होती थी। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने हीला साजी जो की, अल्लाह ताला को धोखा देने वाली यानी हुज्जतबाजी जो की है, तो अल्लाह ताला ने इसके बदले तुम्हें क्या कर दिया, इस नाफरमानी के बदले कि खासीन बंदर बना दिया जलील और रुस्वा। तो कहा जाता है कि इनकी शक्लें तो क्या बंदरों जैसी हो गई थी, लेकिन इनकी सोच और अकल इंसानों जैसी ही थी। तो देखिए कि ये कैसा मामला इनके साथ अल्लाह ताला ने किया, और किस लिए किया, किस लिए किया, कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था उस हुक्म की नाफरमानी के बदले में किया। वजअलना निकाले लिमा बैना यदैहा वमा खल्फहा मौइज़ा लिलमुत्तकीन, हमने अगले पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज़ह नसीहत है। ये इस वाक्ये में कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है कि इंसानों को बंदर बना दिया, तो कि हमारे लिए अगले और पिछलों के लिए नसीहत है, इबरत है, और परहेजगारों के लिए क्या है वाज़ह नसीहत है। अगर हम अल्लाह ताला के हिसाब से बचना चाहते हैं तो हमारे लिए इसमें नसीहत है, अगर हम एक हिस्ट्री के तौर पर गुजर जाना चाहते हैं तो हमारे लिए इबरत है। व इस कहा मूसा कौम इन अमरुकम तस्बह बकरो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा अल्लाह ताला तुम्हें गाय की ज़िबा करने का हुक्म देता है, तो इसने कहा हमसे मजाक क्यों करते हो, आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला के बनाम पकड़ता हूँ। तो ये क्या है, जब फिरौन के ग़ुलामी में रहे थे बनी इसराइल, तो फिरौन के में क्या है उधर के उस वक्त में भी क्या है उनके लिए गाय एक बहुत मौज़म तज़ीम वाली चीज़ थी जिसको वो ज़िबा नहीं करते थे, और उनका यह कॉन्सेप्ट था कि इसको हमने कुछ कह दिया तो क्या हमारे ऊपर कोई आफत आ जाएगी, तो वही जो गुलामी की सोच थी उनके अंदर आ गई। और जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनको कि तुमने क्या करना है, एक गाय ज़िबा करनी है, जब एक गाय ज़िबा करने का मूसा ने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से वही है कि एक गाय ज़िबा करो, तो उन्होंने कहा तुम हमारे साथ मजाक तो मत करो,
यानी उनके दिल में इस गाय की तज़ीम बैठी थी, अल्लाह ताला से बढ़ के, अल्लाह ताला के हुक्म से बढ़ के उस गाय की तज़ीम थी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और मजाक क्या है, ऐसा मजाक करना जहलो जैसे काम है। फिर उन्होंने क्या कहा, अच्छा आप करते तो हैं लेकिन हमारे को क्या करो, कालू तू लाना रब का युबई लाना माहिया, कि ज़रा अपने रब से पूछ के तो बताओ उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसकी माहियत कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए। कहा ना यकून ना बकर फारिस वाला बिक्र अवाना सारी का फ़कान मात हो मान हूँ। उन्होंने फरमाया कि ना तो गाय बूढ़ी हो ना ही बच्चा हो, बल्कि दरमियानी उम्र के नौजवान हो, अब जब तुम्हें हुक्म दिया गया तो बचा लिया। अब क्या है, उन्होंने कहो उनका किस तरह की माहियत, किस तरह की जिसामत की हो, तो अल्लाह ताला ने बता दिया इस तरीके की हो, यानी कौन सी उम्र की हो। कल उठना बकर फफरा, फिर कहने लगे दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बयान करें इसका रंग कैसा हो। फरमाया वो कहता है कि गाय का रंग जर्द हो, चमकीला हो, देखने वाले को भला मालूम हो उसका रंग। ठीक है, अल्लाह ताला ने सिर्फ गाय का हुक्म दिया था कि गाय से बकर दो, अगर वो पहले स्टेप में क्या कर देते तो क्या उनके लिए कितनी आसानी हो जाती, लेकिन उनके सवालात ने, हुज्जतबाजी ने, उनके लिए कसरत सवाल ने किस तरह के मसला खड़ा किया, ये आप आगे हम पढ़ते जाते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, कालबकना माहिया इन बकरा तो शाबा आलिना, कहने लगे हम अपने रब से दुआ कीजिए कि ये माहियत तो बतलाइए कि इस गाय की बहुत ज़्यादा किस्म कौन सी होनी चाहिए। जब अल्लाह ताला ने उसको भी बता दिया तो क्या अगर अल्लाह ने चाहे तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। कहा जाता है कि हज़रत मूसा ने कहा अगर बनी इसराइल इंशाल्लाह ना बोलती तो क्या उन्हें क़यामत तक वो गाय ना मिलती उस तरीके की। तो क्या है, जब उनको गाय मिल गई, काल ना यकुल इन बकर तसी वाला तस्किल हर सी मसलिया तफिया काल आना जेता बिल हक़ की। फिर अल्लाह ताला का फरमान है कि गाय काम करने वाली, ज़मीन में हल जोतने वाली, और खेतों को पानी निकालने वाली ना हो, वो बतंदुरुस्त और बेदाग हो। उन्होंने कहा अब आपने हक वाजी कर दिया, वो कि वह हुक्मरदारी के खिलाफ कई करीब ना थे, लेकिन इसे माना और वो गाय ज़बह कर दी। ये कहे इतनी हुज्जतबाजी के बाद, इतने सवालात के बाद उन्होंने क्या आखिर क्या, जब अल्लाह ताला ने ये भी वाजे कर दिया कि जो हल ना चलाए और जो पानी ना देती हूँ ऐसी हो, तो क्या उनको इस तरह की गाय मिल गई, उन्होंने गाय को ज़बह कर दिया। वैसे कतल तुम नफसन पर दा रहा तुम फिर वाला जुम्मा को तुम दाम। अब ये जो गाय करने ज़बह करने का हुक्म जो आया था अचानक ही, तो उसके पीछे हिकमत क्या थी कि उस जगह पे एक कत्ल हो गया जहाँ पे वो रहते थे, तो हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि फ़लाँ कबीले ने फ़लाँ को कहा तुमने कत्ल किया, फ़लाँ शख्स फ़लाँ को कह रहा था, तो क्या उनके लिए ये बस झगड़ा बन रहा था, फसाद का सबब बन रहा था। वो जो गाय ज़बह की तो उन्होंने क्या किया, ये इख्तलाफ बहुत कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अब वाजे कर देता हूँ तुम्हारे लिए क्या है, कि ये कातिल कौन है, और ये कातिल का पता कैसे चलेगा कि जब तुमने ये जो गाय ज़बह की है इसके गोश्त का एक टुकड़ा तुम जो मकतूल है यानी जिसको कत्ल किया गया उसके जिस्म पे मारो तो वो ज़िंदा हो जाएगा, वो तुम्हें बता देगा। ठीक है, तो जब उन्होंने गाय का टुकड़ा जिसे मकतूल के जिस्म पे मारा तो उठ खड़ा, उसने बता दिया कि मुझे किसने कत्ल किया था। अल्लाह ताला ने उनके सामने ही, उनकी निगाहों के सामने एक मुर्दे को ज़िंदा किया ताकि उनका आखिरत पे ईमान बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या, उनके लिए निशानी थी अक्लमंदों के लिए। इंसान दूसरों के वाकया से, दूसरों के गुजरने वाले हालात से ही कह सीख लेता है। सुम मकसद कुल हबू में बाद जारी का भैया कल ही जा रहा और अशद कसवा, सुम मकसद कुल हबू को मुम्बारी जारी का भैया कल ही जा रहे थे और अशद कसवा, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। बाज़ पत्थरों से तो नहरें भी वह निकलती हैं और बाज़ फट जाते हैं और इनसे पानी निकल आता है, और बाज़ अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं, तुम अल्लाह ताला को अपनी आमाल से गाफिल ना पाओ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के दिल इतने सख्त होते हैं कि पत्थरों के मानने जाते हैं। ये जो पीछे बात आई कि क्या जो उनके सामने मुर्दों को अल्लाह ताला ने ज़िंदा कर दिया था, तो क्या उसे उनको अकल लेनी चाहिए थी, उनको पकड़ना चाहिए था, क्या क्या हिदायत लेनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कुछ लोगों के दिल इतने सख्त होते हैं हिदायत के मामले में कि जैसे पत्थर। लेकिन क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ लोगों के दिल पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त होते हैं, सख्त तरीन चीज़ क्या होती है, पत्थर, उस पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त दिल होते हैं कि जो आयात निशानियाँ देख के भी ना माने। वह इन्ना मिनल हजारे नमाया सफ़र अनहार, अल्लाह तक कहते हैं कि पत्थरों से भी पानी निकल आता है, उनमें से भी खैर निकल आती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अल्लाह ताला के बातों को मानता है, अल्लाह ताला के वही पे मान लाता है, जब वो खैर की तरफ चलता है, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो उसे खैर फूटती है। वो कैसी खैर कि नहर की तरह, नहर की तरह उसमें से खैर निकल रही है। कि यहाँ नहर क्या है,
बहती चली जा रही है, इर्द गिर्द वालों को फ़ायदा देती चली जा रही है। तो एक शख्स जिसके अंदर हिदायत उतर चुकी है, तो खैर उतर चुकी है, तो इसके वो खैर के वो क्या ख़ुद भी अमल करता है और दूसरों को अपने अमल से दीन की तरफ रागिब करता है। इतनी खैर कसीर उसमें से निकल रही है नहर की मानिंद, ये खुद भी फ़ायदा उठा रहे, दूसरे भी फ़ायदा उठा रहे। फिर दूसरी किस्म है इन नमाय शक कोई भाई अखरुजमा, और फिर एक किस्म है कि जिसमें से क्या है शक हो जाते हैं, जिनके दिलों में शक आया नहीं, टूट आ जाते हैं, टूट पड़ते हैं। फैखरुजमिन है उनमें से क्या पानी निकल आता है। तो क्या है यानी ये छोटे पैमाने पर हैं कि वो जो ख्याल लेते हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत आती है तो उससे खुद फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उसको अपने अमल में ला रहे होते हैं। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं के, इतने ज़्यादा ख्याल नहीं के दूसरों को इस ख्याल की तरफ मायल करने वाले हों। अब तीसरी किस्म क्या है इन्ना मिन हलमा याहबिद मिन खशियतिल्लाह, एक पत्थरों की किस्म ऐसी भी होती है कि जो अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, वो क्या है उस पर अमल करने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला की बात करते हैं मुसलमानों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाए, हालांकि मैं ऐसे लोगों को जो कलाम अल्लाह को सुनकर अकल और इल्म वाले होते तो फिर बदल डाला करते थे। यानी क्या कहा जा रहा है कि तुम क्या है तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार हो जाए, मान लें अल्लाह ताला के कलाम को सुन के अकल से काम लें, मगर इन्होंने क्या किया इस कलाम को बदल डाला। तुम्हारे हरीफ़ुना मिन बादी मा कलू, इन्होंने समझने के बावजूद इसको बदल डाला, और किस वजह से बदल डाला अपनी ख्वाहिश की वजह से बदल डाला। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वज़ल्लाज़ी नामन कालू आमन्ना वज़ा ख़लाबाद कालू अतः हदसूना बिमा फ़तःकुम जो कुम भी इंदा रबी कुम अफल, जब ईमान वालों से मिलते तो ईमानदारी ज़ाहिर करते हैं, जब आपस में मिलते तो कहते हैं मुसलमानों को क्यों वो बातें पहुँचाते जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई हैं, क्या जानते नहीं ये तो अल्लाह ताला की बात तुम पर इनकी हुज्जत हो जाएगी। यानी यहाँ पर कहा जाता है कि कहें जब मदीना में जो रहने वाले मुसलमान थे जो नए नए न्यू मुस्लिम हो रहे थे तो क्या है वहाँ पे क्या हुआ यहूदियों के पास जब ईमान लेके आते थे वो नए जो मुस्लिम नौ मुस्लिम थे वो यहूदियों के पास आते कि आप पहले किताब हैं हमें बताइए कि क्या मामला है। तो जब वो आपस में आप मिलते तो कहते हैं हम तुम लोग मुसलमानों को ये बातें मत पहुँचाया करो कि हमारी किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो नबी सल्लम की सदाकत पर और रसालत पर दलील हैं और ये कलाम इलाही के सच्चा होने की दलील है। मुसलमानों को वो बातें मत पहुंचाओ कि क्या है जिससे क्या है उनके जो ईमान लेके आए हैं उसमें मज़ीद उनको तकवीत मिल जाए कि वो हक पे है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो अल्लाह ताला ने हमें बातें सिखाई हैं उसको तुम दूसरों से शेयर ना करो, वरना तो तुम्हारे लिए हुज्जत कायम हो जाएगी कि ये तुम्हें तो हक पता है और तुम खुद नहीं मान रहे। अवलामून, क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनके पोशीदगी और जाहिरदारी को सबको जानते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो चुप चुप के तुम बातें कर रहे हो प्लानिंग्स कर रहे हो अल्लाह ताला क्या है इस चीज़ को भी जानते हैं, और जो तुम्हें लाने तो फिर काम करते हो उसी सब से वाकिफ़ है। मिन किताब इमानीजनून, इनमें से बस अनपढ़ ऐसे भी हैं कि जो किताब सिर्फ ज़ाहिर अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान पर अटकल है। यानी क्या है कि कहा जा रहा है कि जो इनमें से कुछ लोग हैं उम्मी हैं, यानी क्या है अनपढ़ हैं। उम्मीद किसे कहा जाता है जिसपे जिसको उसकी माँ ने जो कुछ सिखाया उसके अलावा उसके पास कोई इल्म ना हो कोई उस्ताद ना हो उसका, क्या है उनमें से कुछ लोग उम्मीद हैं ना नहीं वो किताब का इल्म रखते हैं, वह क्या है अमानिया अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और सिर्फ गुमान पे ही अटकल हैं। तो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या है वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, किताब को उनको इल्म नहीं है। वबैलना यकतुबून किताब अदीमिन वबैलबून, इन लोग बोले वैल है वैल क्या है जहनम की एक वादी का नाम है हलाकत को कभी कहा जाता है, इन्होंने अपने लिए हलाकत अपने लिए जहनम की वो वादी खुद लिख डाली है। क्यों लिख डाली है जिस तरह उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को लिख दिया है अपने हाथों से और किस तरह का लिखा है कि उसको बदल डाला है दुनिया की थोड़ी सी कीमत के बदले में। ये क्या है इन्होंने क्या है किया किया कि किताब में जो अल्लाह ताला के अहकाम नहीं थे वो खुद अपने हाथों से लिख के कहा कि ये तो अल्लाह ताला को तरफ से हुक्म है ये देख लो ये पढ़ लो। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने दुनिया की सरदारी दुनिया के फ़ायदे के लिए ये चीज़ें जो देखी हैं यही चीज़ें जो तो हैं तुम्हारे लिए हलाकत का बाइस बनेंगी। मिमा कतब अईदीहिम, ये जो तुम अपने हाथों से लिख रहे हो वबैलुल्लाह मिमा यकसिबून, और तुम क्या जो कमाई कमा कर रहे हो ये भी हलाकत है अफसोस है इस चीज़ के ऊपर। वाला कालन तमसन नारो अल्लाम मदूदात
वो कहते हैं हम तो सिर्फ चंद रोज़ जहन्नम में रहेंगे, इनसे कहो तुम्हारे पास अल्लाह ताला का कोई वादा आया है? यानी वो कहते थे कि हम अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम है, चुनी हुई कौम है, हमारे लिए मनोसलवा है, हमारे लिए सहरा में साया है, हमारे लिए चश्मे फूट रहे हैं, हमारे लिए मनोसलवा उतर रहा है, अल्लाह ताला हमारी हर बात मान रहा है, नबी से हम के जरिए जो दुआ नबी के हज़रत मूसा के ज़रिए जो दुआ करवाई जा रही है वो कबूल हो रही है, तो क्या है हम तो अल्लाह ताला की चुनी हुई कौम है, हमें तो जहन्नम की आग नहीं छूएगी। इतने लाड प्यार को उसे समझ रहे थे कि ये आख़रत के लिए भी है, ये चुनाव उनके लिए आख़रत के लिए भी है कि उनको जहन्नम की आग नहीं छूएगी मगर कुछ दिनों के लिए। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, अल्लाह ताला कहते कि तुमने इस हवाले से कोई अल्लाह ताला का वादा पढ़ लिया है अपनी किताब में? अल्लाह ताला ने तुमसे कोई वादा लिया है इस हवाले से कि तुम्हें आग में नहीं डालेगा? फले यखलफुल्लाहु अहदहु अम नकून अलल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, हरगिज़ नहीं करता, और तुम अल्लाह के वो बातें लगाते हो जिनसे तुम नहीं है कि तुम ये वो बातें कह रहे हो जो क्या है अल्लाह ताला ने की ही नहीं है। वला मन का सबब सैयात व अहदत बिही खतीआतु फौलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, यकीनन जिसने भी बुरे काम किए इसकी नाफरमानियों ने इसे खेलिया हमेशा के लिए जहन्नमी है। यानी किसी ग्रोह से होना, किसी खास ग्रोह ने से होना तुम्हें जहन्नम से नहीं बचाएगा। जो तुमने अपने लिए काम कर लिया, जो नाफरमानियाँ तुमने की उसके खेले में तुम हम आओगे हमेशा के लिए जहन्नम में रहोगे। एक दूसरा के वो है वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति असहाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, और वो लोग जो ईमान ले आए, जो सच्चा ईमान ले आए, उन्होंने नेक अमल किए, वो जन्नती हैं, वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। इस अख़ज़ नमीसा का बनी इसराइल ताबुलून इल्लाल्लाह वबिल वालिदैन इहसान वज़िल क़ुरबा वल यताम वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। अभी मैंने इसराइल से क्या वादा था? तौरात के ज़रिए जो उनकी किताब में आया था कि क्या है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। वबिल वालिदैन इहसान, वालदैन के साथ क्या करें? एहसान का मामला करेंगे। एहसान क्या होता है? हक़ से बढ़ कर देना। वज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों को, मल यतीम और यतीमों को, मल मसकीन और मस्किनों को, कूल और कहो लिन्नासी बात हुस्ना, अच्छी अच्छी बात, वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, वाक़ीमु सलात वातुज़ ज़कात थुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम वा अन्तुम मुअरिदून। फिर क्या क्या अच्छी बात करनी है? किसके साथ? तमाम लोगों के साथ। पीछे जो जिक्र किया रिश्तेदारों, वालदैन, यतीमों, मस्किनों के साथ क्या अच्छी बात, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, फिर तुम हो मोड़ो इल्ला मगर कलीन थोड़े से तुम में से, मान तुम मौरीद हो और तुम इराज पर रखने वाले हो। यहाँ पे क्या कि अल्लाह ताला का हक़ देने की बात हुई है, भाई वालदेन का हक़ देने की बात हुई है, रिश्तेदारों का हक़ देने की बात हुई है, यतीमों का हक़ देने की, मस्किनों का, वकूलों का, लिन्नास लोग को अच्छी बात, यानी इन तमाम मामलों में, इन तमाम रिश्तेदारियों में क्या करना है? अच्छी बात करनी है। अच्छी बात क्या होती है कि जिसमें जिसका स्टाइल अच्छा हो, जिसमें नरमी हो, जिसकी नीयत अच्छी हो, जिसे बात करने का अंदाज अच्छा हो, तो ये क्या है सब कुलना से हुसना में आती है। तो इन सब के जब मामला दुरुस्त रखने हैं तो क्या करना है? ये चीज़ कुलना से हुसना पे अमल करना है। ये नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना बाद में आ गया, पहले क्या आ गया? इन मामला का हकूक़ लबाद का जिक्र आ गया। सुम्मा तवल्लै तुम इल्ला क़लीलन, मगर तुम में से क्या है थोड़े इस पे कायम रहेंगे, अक्सर के इसमें तुम मौजूद हो तुम इराज बरत जाओगे। इस अखस नमी सकम ला दिमाग मेरा तो खुदी अकर तुम अन तुम तशहर वो कतल न करना, आपस में जलावतन न करना, तुम नेकरार किए थे, तुम इसके शाहिद बने थे। तो क्या है इससे वादा लिया किया था कि क्या है ये एक दूसरे का यहूदी एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे, लेकिन क्या है इन्होंने क्या है आपस में एक दूसरे को कत्ल किया। और क्या दूसरा वादा क्या किया था? जलावतन नहीं करेंगे। ओके जब कोई क्या है आगे आता है कि लेकिन फिर इन्होंने आपस में कत्ल भी किया, एक दूसरे को जलावतन भी किया, और गुनाह ज़्यादा कामों में एक दूसरे की तरफदारी की। हाँ जब वो कैदी बन गया है तुम्हारे पास तो इनमें से इनके फदिया दिया, लेकिन इनका जो निकालना तुम पे हराम था इनका कुछ ख्याल ना किया। बाज़ काम पर ईमान रखते हो, बाज़ को साथ कुफर करते हो, तुम में से जो अभी ऐसे करे इसके लिए सजा उसके सिवा कुछ नहीं, दुनिया में रसवाई और क़यामत के दिन साहब की मार है, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। यानी यहूदियों ने क्या मामला किया था कि अल्लाह ताला ने जो शुरू के दो हुक्म दिए थे कि कत्ल नहीं करना और क्या जलावतन नहीं करना, वतन से नहीं निकालना, अपनी ज़मीन से नहीं निकालना यहूदियों को, लेकिन ये क्या करते थे जब जंग होती थी तो क्या करते थे उनको अपने भाइयों को कत्ल भी करते थे एक दूसरे को, और फिर क्या इनको जलावतन भी कर देते थे। लेकिन जब वो कैदी बन के किसी दूसरी कौम में चले जाते थे, कोई कौम दूसरी कौम उनको ले जाते थे, फिर क्या कहते थे फिदिया देके आज़ाद कराते थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जो दो हुक्म पहले दिए थे उन दो पे तो तुम अमल नहीं कर रहे हो, लेकिन जो क्या है आखिरी हुक्म है उसको तुम क्या इतनी अहमियत दे रहे हो, इतनी फोकियत की क्या तुम इसकी क्या
फितिया देके छुड़वा रहे हो, तो तुम पहले ही काम मत करो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करो। अल्लाह तो कहते हैं ऐसे लोग के लिए दुनिया में भी रसवाई और सख्त अजाब है, अल्लाह ताला की मार है। अल्लाह तो कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले में ख़रीद लिया है, ना तो उनके साथ हल्के होंगे ना उनकी मदद की जाएगी। ये मामला वही है कि दुनिया की ज़िंदगी के लिए, दुनिया की मोहब्बत में वो ऐसा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने आखिरत को बेच डाला है दुनिया की मोहब्बत में, तो क्या अल्लाह ताला कहते हैं इनके लिए अजाब हल्का नहीं होगा, ना ही इनकी मदद की जाएगी। वलक़द आतैना मूसा अल-किताब वक़द कफ़ैना मिन बादी बिर-रुसुल, क्या बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई थी, इनके पीछे रसूल भेजे, और हमने हज़रत ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें देके भेजे, रूहुल कुदस से इनकी दायर की, लेकिन जब तुम्हारे रसूल आप पास रसूल वो चीज़ लाए जो तुम्हारी तबीयत के खिलाफ थी, तो तुमने झट से तकब्बुर किया, बस बास को तो झुटला दिया और बास को कतर भी कर डाला। क्या है अल्लाह ताला क्या कहने हैं कि मैंने बनी इसराइल में पै दर पै रसूल भेजे, कोई ऐसा इलाका कोई ऐसी बस्ती नहीं थी जहाँ पर रसूल ना आए हो। तो इसके बाद क्या हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए जिनको क्या रोशन निशानियाँ मिली कि अल्लाह ताला ने उनकी रूहुल कुदस के ज़रिए मदद की, और फिर क्या है अल्लाह ताला ने नबी ससम को भेजा, अभी जब तुम्हारे पास रसूल आए तो क्या तुम्हारी तबीयत तो ख़िलाफ़ वो चीज़ थी, यानी कि तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हें दिलों में दुनिया की मोहब्बत थी, तो तुमने क्या किया, फ़ौरन तकब्बुर कर दिया और झुठला दिया और तुमने कत्ल भी कर डाला नबियों को। वक़ाल क़ुलूबुन ग़ुल्फ़ बलाना अल्लाह बिकुफ़्रिन फ़क़लील मा युमिनून, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे दिल गुलाफ़ों में पड़ने लिपटे हैं कि तुम्हें हक़ व बातिल में फ़र्क समझ नहीं आ रहा, बल्कि इनके कुफर की वजह से अल्लाह ताला ने इनको मलून कर दिया है, यानी लानत कर दी। लानतुल्लाह, लानत से क्या मुराद होती है, अल्लाह ताला की रहमत से दूरी, यानी अपने कुफर की वजह से अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गए और इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। कलील फ़क़लील युमिनून, ये कितना थोड़ा है वो ईमान लाते हैं। तो इनके दिलों के खिलाफ में किस लिए है कि क्या है, ये बात सुनते नहीं समझते नहीं अल्लाह ताला की बात, तो इन्होंने दिलों में कवर चढ़ा रखा है, ये जिधर क्या हक ना जाएगा नहीं वो हदायत पाएंगे। मलम्मा जाहम किताबों में सद्दिकमाहमान कबल ये सफ़ी होना नज़ीन कफ़र मलम्मा जाफ़ कफ़र भी फ़लाना, और इनके पास जो अल्लाह की किताब है, इनके पास किताब को सच्चा करने वाली आई है, हालांकि पहले वो खुद इसके ज़रिए काफ़रों पर फतह चाहते थे, तो बावजूद इस आने के और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफर करने लगे हैं अल्लाह ताला की लानत हो काफ़रों पर। कहा जाता है कि इनकी किताब में तौरात में क्या है, जब हम सदन की निशानियाँ मौजूद थी कि क्या इस शहर में आएंगे, इस मदीना शहर में आएंगे, इस तरह की सरजमीन पर आएंगे, इस तरह की उनकी ख़त्म नबूवत होगी और सादिक व अमीन वो होंगे, तो क्या ये निशानियाँ तमाम उनकी किताब तौरात में मौजूद थी, तो उनका जैसे ही वो नबी आएगा तो हम तो ज़रूर मानेंगे, लेकिन क्या है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उन्होंने उनका पहचान लेने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह से कहते हैं ऐसे लोग को, ऐसे काफिलों को, ऐसे इनकार करने वाले पे क्या है, लानत है। पहले ख़ुद दुआएं मांगते हो कि अल्लाह ताला उस नबी को फ़ौरन भेजे ताकि क्या हम क्या इज़्ज़त पा जाए, लेकिन जब अल्लाह ताला नबी पाक सल्लम को भेज देते हैं तो क्या इनकार कर देते हैं, और किस वजह से इनकार कर देते हैं कि क्या ये हमारे ग्रोह में से क्यों नहीं आए, यहूदियों में से क्यों नहीं आए, वे समझते रहो भी अनफूसमान फसली, बहुत बुरी चीज़ वो चीज़ है जिसके बदले तुमने अपने आप को बेच डाला है, उनका कुफर करना है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिलशुदा चीज़ के साथ, मैं इस बात से दर्द कर अल्लाह ताला अपने फजल जिस बंदे पे चाहता है नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो चीज़ है जिसकी वजह से तुम इनकार कर रहे हो कि तुम्हारे नबी में नहीं आई है, तुम जिद लगा के बैठ गए हो कि हम नहीं मानेंगे कि यह क्या है हमारे कौम में से नहीं है बंदा, तो क्या है अल्लाह कहते हैं तो तुम पलटो के अल्लाह की गज़ब के साथ और काफिरों के लिए रुसवा कुन अज़ाब होगा। वही अकीला आमिन बीमानबीमानबीमाबरा, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ तो कह देते हैं हम पे उतारी गई इसमें ईमान लाए, हालांकि इसके बाद जो वाली उतारी गई जो उसकी तस्दीक करने वाली थी कुफर करते हैं, अच्छा है तो इनसे दरियाफ़ करेगा तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुमने अगले अम्बिया को कत्ल कर डाला, यानी कहा क्या क्या कहा जा रहा था इन्होंने कि नबी सल्लम को झुटलाने की वजह क्या कि ये हमारे उसमें से नहीं आए, हमारे उम्मत से नहीं, हमारे कबीले से बनी इसराइल से नहीं आए, इसलिए हम इनको बेईमान नहीं लाएंगे और इन पर जो नाजिल हो रहा है उसको भी ईमान नहीं लाएंगे, तो क्या अल्लाह ताला कहते हैं चले ये तो किसी दूसरी कौम से आए हैं ना, तुम्हारी कौम से नहीं है, ये बनी इसमाइल से नबी सल्लम आए, और जो तुम्हारे अपनी कौम में से नबी भेजे थे उनके साथ तुम्हारा मामला क्या था, तुमने तो अपने नबियों को अपनी कौम में आने वाली नबियों को भी नहीं छोड़ा, तुमने तो उनको भी कत्ल कर डाला, अगर अभी तुम कह रहे हो कि हमारी कौम से नहीं है तो हम इनकार करते हैं, तुम्हारी कौम में नबी आए तुमने तो उनके साथ भी अच्छा मामला नहीं किया, तुमने तो उनको भी कत्ल कर डाला, अगर तुम इतने ईमान लाने वाले थे इतने सच्चे थे तो तुम अपने नबियों को तो कत्ल ना करते।
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد ما انتم ظالمون. تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ دلیل لے کر آئے لیکن تم نے پھر بچھڑا پوچھا اور تم ہی تو ظالم ہو. اللہ تعالیٰ پھر پچھلے قصے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کیا ہے, تم نے تو پیچھے حضرت موسیٰ کو جب میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا تو وہ دلیلیں لے کے آئے تھے لیکن تم نے کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا. اس اخذ نبی صاحب خود مات قبول, پھر ایسا کہتے پھر اس چیز کا ذکر کرتے کہ کوئی تو کہ تمہارے سر پہ کھڑا کیا تمہارے پھر کیا چیز کہا گئے کہ اس کو تھامو اور سنو اور پکڑو تو تم نے پھر بھی نافرمانی کی. اور کس وجہ سے نافرمانی کی؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی جو اس کے بس اس کے تمہارے کفر کے. ان سے کہہ دیجئے تمہارے ایمان تمہیں برا ہی کا حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو. یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہیں ان سے جب کوئی تو بلند کیا انہوں نے وعدہ لیا چیز کو تھاما اور سنا لیکن کیا ہے بعد میں کیا ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کے دل میں اس بچھڑے کی مجھے اجل کی محبت آ گئی. تو آج وہ اجل وہ ہمارے لیے ہر وہ چیز اجل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرے, اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے دنیا کی وہی چیز ہمارے لیے اجل بن جاتی ہے. آج ہم باقاعدہ تو کسی بچھڑے کو نہیں پوچھ رہے لیکن اپنے کیریئر کو اپنی جابس کو اپنی کسی بھی رشتے کو کہ ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں اتنی محبت رکھتے ہیں اسے یا اس کے لیے اتنا کچھ کمپرومائز کرتے ہیں اتنے کچھ قربان کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی زیادہ ہم کے اس کو پوچھتے ہیں اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس انسان کو اپنی ذات کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے بچھڑے کی محبت کو پلا دیے گئے ہیں. اور کس وجہ سے پلا دیے گئے ہیں؟ کہ ان کا کفر تھا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کیا نبی کا انکار کیا تو کیا ان کے دلوں میں دوسری چیز کی محبت ڈل گئی. قل ان کانت لکم دار آخرت عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت. آپ کہہ دیجئے کہ آخرت کی خالص تمہارے لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں ہے تو آپ اپنے اس سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے آخرت کی خالص تمہارے لیے ہے تو پھر تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے لیے موت مانگو کہ تم نے جب جنت میں جانا ہی ہے جنت تمہارے لیے ہی ہے تو پھر تو اپنے لیے تمہیں موت مانگنی چاہیے کہ تم ادھر سے دنیا کی زندگی سے جان چھڑا ہو کے جنت میں پہنچو آخر گھر پہنچو. مل یہ تمنا ہو اب علم بما قدمت ایدیہم اللہ علم بالظالمین کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہر کسی اس چیز کو تمنا نہیں کریں گے باوجود کیونکہ وہ اپنی کرتوت اپنے عملوں کو جانتے ہیں وہ کبھی بھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اس لیے وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے وہ موت کبھی بھی نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جنن آخر صنع سے اللہ حیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یہودیوں کو ان ایسی قوموں کو جو اجل بنا کے بیٹھی ہیں یا یہودی جو ہیں کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کی حجتیں پیش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی کہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے تو پھر یہ کہ آخرت کی حریص ہو جائے نا لیکن یہ آخرت سے زیادہ دنیا کی حریص تم ان کو پاؤ گے. ان کے اندر دنیا کی محبت باقی قوموں سے باقی لوگوں سے زیادہ ہوگی. یہ حریص ہے کہ کہے کہ وہ کتنے سال ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کتنے سال جیے 1000 سال جیے اور وہ بھی 1000 سال کیسے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ ان کو 1000 سال دے بھی دیے تو یہ کیا آخر تو موت ہے اور یہ موت کا آ جانا ان کو عذاب سے یا زندگی کا لمبا مل جانا ان کو عذاب سے تو نہیں چھڑوا سکتا. واللہ بصیر بما یعلمون اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو عمل کر رہے ہیں. قل من کان عدو لجبریل فإنه نزل على قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ ومہدی وبشیرا للمؤمنین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دشمنی کرتے ہیں جبرائیل سے کہ پیغام پاری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں لے کے آنے ان کے دل پہ کیوں اتارے ہیں جو پیغام ان کے پاس تصدیق کرنے والا ہے مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. کہ کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو پتا تھا کہ پہلی سمانی کتاب جو تورات ہے وہ بھی ہماری کیا ہے حضرت جبرائیل کے توسط سے ہی انبیاء پہ جو وحی آتی ہے وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے آتی ہے. انہیں یقین تھا کہ یہ کیا ہے وہی الہی کلام الہی ہے اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں اور کیا ہے ان کی حرکات کا ان کی مشاہدات کا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کیا مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ کیا یہودیوں یہ معاملہ کر رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ ایسا کیا جائے. تو کیا
तो ये इस वजह से हज़रत जिब्राइल के दुश्मन बन गए कि ये जो कि हज़रत जिब्राइल इनके हवाले से आयात लेके नाजिल हो रहे थे कि क्या इनके ऐसे मामले कर रहे हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे हैं, तो ये ख़ुद अपने नबियों के साथ क्या कर चुके हैं। तो इस वजह से इनको हज़रत जिब्राइल से दुश्मनी हो गई थी। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने कहा कि जो क्या दुश्मनी कर गया हज़रत जिब्राइल से, हालाँकि ये अल्लाह ताला के पैगाम है जो लेके आ रहे हैं। वो मन काना तो वल्लिल्लाहि व मलाइकाति व रसूलि व जिब्रील व मिकाल फइन्ना अल्लाह अदुव्वुल काफिरीन। अल्लाह ताला कहते हैं जो दुश्मनी कर गया मेरे किससे, अल्लाह के लिए, मेरे फरिश्तों से और रसूलों, मेरे रसूलों से, जिब्राइल से और मिकाइल से, कि क्या तो फिर उनके लिए मेरे लिए दुश्मनी है, अल्लाह ताला के दुश्मन है ऐसे लोगों का। जो मेरे नबियों से, मेरे रसूलों से, मेरे फरिश्तों से दुश्मनी करेगा तो मैं ऐसे लोगों का खुद दुश्मन हूँ। जो अल्लाह ताला जिसका दुश्मन हो जाए तो फिर उसके लिए क्या खैर बाकी बच जाती है। वलकद अनज़लना इलैका आयतन बय्यिनातिन वमा यकफुरु बिहा इल्ला अल-फासिकून। और यकीन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी जिनका इनकार सिवाय बदकारों के कोई नहीं करता। अब अकुल्लमा अहदु अहदन नबज़ फरीकुम मिनहुम वल अक्सरु ला युमिनून। और ये लोग जो आयत करते हैं तो एक ना एक जमात से तोड़ देती है, बल्कि इनमें से अक्सर ईमान से खाली है। यहाँ के ईमान जाने की सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है, अहद तोड़ना, वादा खिलाफी करना। तो हमें देखना चाहिए कि हम रोज़मर्रा मामलात में कहाँ कहाँ वादा खिलाफी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर अक्सर लोग ऐसे लोग ईमान वाले नहीं होते जो ये वादा खिलाफी करने वाले होते हैं। वल्लम्मा जाअ रसूल मिनल्लाहि मुसद्दिकन माअहु नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम अन्नहुम ला यअलमून। जब कभी इनके पास कोई रसूल अल्लाह रसूल आता है, उनकी किताब की तस्दीक करने वाला आता है, इन अहले किताब के एक फ़िरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया कि कोई जानता ही नहीं था। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए हैं वो क्या है, यहूदियों की तस्दीक करने आए हैं कि वो एक सच्चे नबी थे, उनके पास जो आए थे नबी वो सच्चे थे, उनकी किताब सच्ची है। तो क्या है, लेकिन उनके एक फ़िरके ने क्या किया, अल्लाह ताला की किताब को पीठ पीछे डाल दिया। या पीठ पीछे डालने से क्या मुराद है कि अमल करना ही छोड़ दिया, इसको ऐसा भुला दिया कि जिस तरह इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। तो अल्लाह से कहते हैं जब इन्होंने पीछ पीछे जान दी कि वो जानते ही नहीं हैं, वो इस तरह का उन्होंने अपनी किताब के साथ मामला किया है। तो क्या है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या है, ये इल्म रखने वाले नहीं हैं। जो इल्म आने के बाद इल्म को झुटला दे, इल्म अमल ना करे, वो अल्लाह ताला के नज़दीक ला इल्म ही है। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह ताला इसको अगले पार्ट में कंटिन्यू करते हैं, सूरह बकरा के अगले पार्ट में कंटिन्यू करते हैं, जिसमें क्या है हम मज़ीद इनके बारे में जानेंगे कि अल्लाह ताला क्या बनी इसराइल के मज़ीद क्या नफरमानियाँ बयान करते हैं और अल्लाह ताला के मज़ीद क्या एहसानात हैं इनके ऊपर, और क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या अहकाम दिए गए और हमारे लिए क्या हुक्म है। आप इस हवाले से अपने सवाल salam@quranicourse.com पर भेज सकते हैं। दुआ कर लेते हैं। वह आखिरी दुआ अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।